हेलो एंड वेलकम टू हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ, जहां पे आपको मिलते हैं बायोलॉजी के हॉटेस्ट एंड लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स। तो कभी बच्चों आपने सोचा है कि एक ही प्लांट के ऊपर पोटैटो भी लगे और टोमेटो भी लगे? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक ही प्लांट के ऊपर ऊपर टोमेटो और नीचे पोटैटो कैसे लगता है, तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, राइट? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था टैक्सोनॉमी की हायरार्की, कि किस तरह से टैक्सोनॉमिक जो लेवल्स होते हैं या कैटेगरीज होते हैं उनको अरेंज किया जाता है, किस तरह का उनका सीक्वेंस होता है, और टैक्सोन और कैटेगरी के बीच में हमने डिफरेंस समझा था। सो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों ने पिछला वीडियो सेशन नहीं देखा है उनको देखें, तभी आज का समझ में आएगा बहुत अच्छे से। अगर आप उठा के सीधा ये देख रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि आज हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो जिस तरह से पिछले वीडियो सेशन में हमने आपको बताया था कि 7 कैटेगरीज होती हैं जिनको ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहा गया, स्ट्रिक्ट कैटेगरीज कहा गया, सो आज हम उन्हीं की डिटेल्स पढ़ने वाले हैं बारी बारी से। सो बहुत ईजी है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और आप देखेंगे कि किस तरह के ऑर्गेनिजम्स फ्यूचर में पाए जाते हैं। सो सबसे जो लोएस्ट रैंक होता है, जो सबसे लोएस्ट रैंक था टैक्सोनॉमी का, वो था स्पीशीज। तो हम चलेंगे लोएस्ट टू हाईएस्ट रैंक की तरफ, क्योंकि देखिए सबसे जो लोएस्ट रैंक होता है टैक्सोनॉमी में वो होता है उसका बेस, जिसको कहते हैं ना प्लंथ, बेस डिसाइड करता है। इसीलिए सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे और इसी को पढ़ने में सबसे ज़्यादा हमारा टाइम भी लगेगा, और नीट में भी यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे स्पीशीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पीशीज के बारे में। बहुत ही मज़ा आएगा आज, यकीन मानिए। तो देखिए, जब भी आप 10th क्लास में थोड़ा सा स्पीशीज के बारे में पढ़ा होगा, तो जैसे मैंने कहा कि ये वाला स्पीशीज है, तो दिमाग में ये बात आती थी, हाँ जी ये डॉग का स्पीशीज है, ये कैट का स्पीशीज है, ये एलिफेंट का स्पीशीज है, ये लॉयन का स्पीशीज है, ये ह्यूमन बींग का स्पीशीज है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि स्पीशीज एक्चुअली होते क्या है। तो देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि नीट में एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल आ सकता है कि स्पीशीज सबसे लोएस्ट रैंक ऑक्यूपाई करता है हायरार्कियल क्लासिफिकेशन में, राइट? तो अब हम डिफाइन करते हैं कि स्पीशीज बेसिकली है क्या है। तो देखिए, स्पीशीज का मतलब क्या होता है? ये छोटा सा या बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हो सकता है या इंडिविजुअल हो सकता है। अब वो जो इंडिविजुअल हैं, उनकी खास बात ये होती है कि वो एक दूसरे से क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं। मैंने जैसे कि बोला कि ये कुछ कैट्स हैं, तो कैट का जो स्पीशीज होगा वो उसी की तरह क्या करेगा, रिजेंबल करेगा। यानी कि दो क्राइटेरिया हो गए, छोटा सा पॉपुलेशन जो एक दूसरे से क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं। अब पॉइंट नंबर 3, वो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी कि उन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता है। अब क्योंकि उन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन हो सकता है, इसीलिए वो फर्टाइल का मतलब क्या होता है कि जो उनकी आने वाली प्रोजेनी होगी, वो उनके अंदर भी ये कैपेबिलिटी होगी कि वो भी अगली प्रोजेनी को जन्म दे सकते हैं। तो ये जब स्पीशीज को डिफाइन किया गया, या क्लासिकल डेफिनेशन जिसे कहा जाता है स्पीशीज का, उसके अंदर ये 4 क्राइटेरिया है। तो देखिए, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था, स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, पॉइंट नंबर 1। दे रिजेंबल वन अनदर, वो एक दूसरे की तरह दिखते हैं, यानी कि जो सिमिलर स्पीशीज होंगे वो क्या दिखेंगे, एक दूसरे की तरह, मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज रिप्रोडक्टिवली, नंबर 2। अब तीसरा पॉइंट, क्योंकि वो एक दूसरे की तरह दिखते हैं, इसीलिए उनमें ये एबिलिटी होता है कि वो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड, या आप इसकी जगह रिप्रोडक्शन भी लिख सकते हैं कि आपस में वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन करके वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। लेकिन 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 एडोल्फ मेयर, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1964 में एक क्राइटेरिया और ऐड किया स्पीशीज के डेफिनेशन में, और वो इसी का ही मॉडिफिकेशन था कि उन्होंने बस एक ही बात कही कि मैंने जिस तरह से कहा कि वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डॉग है
तो डॉग जब एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा तो वो भी क्या होगा, डॉग ही होगा, वो कैट या रैट तो हो नहीं सकता है। अगर कैट है तो कैट जब रिप्रोड्यूस करेगी तो वो कैट जैसे ऑर्गेनिज्म को ही जन्म देगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीशीज होते हैं वो आपस में तो ब्रीड कर सकते हैं, आपस में तो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे स्पीशीज के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कुछ बैरियर है, कुछ रुकावटें हैं। जैसे कि अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, बहुत ही सिंपल सी बात, कि कैट और डॉग के बीच में क्या बैरियर है, तो सबसे बड़ा बैरियर ये है कि कैट एक अलग स्पीशीज है, डॉग एक अलग स्पीशीज है, इसीलिए उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। सो दैट रिप्रोडक्टिव बैरियर विच प्रिवेंट द, ध्यान से सुनना बेटा और साथ में लिखना, दैट रिप्रोडक्टिव बैरियर विच प्रिवेंट द मेटिंग बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि जो दो डिफरेंट स्पीशीज को आपस में मेट करने से रोकता है उसको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सो फिफ्थ पॉइंट यही था, द स्पीशीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि वो जो स्पीशीज होता है वो दूसरे स्पीशीज के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, कुछ बैरियर्स होते हैं इनके बीच में। ये 12th क्लास में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन अभी हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया। दैट प्रोसेस इन विच द मेटिंग बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज इज प्रिवेंटेड इज नोन एज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ? सेपरेशन, यानी कि वो आपस में मेट नहीं कर सकता है। तो सिंपल सा अगर मैं कॉन्सेप्ट समझाने की बात करूं, कैट डॉग के साथ मेटिंग नहीं कर सकता है, कैट रैट के साथ मेटिंग नहीं कर सकती। अगर कैट को मेटिंग करनी है तो उसको कैट ही चाहिए, डॉग को मेटिंग करनी है डॉग ही चाहिए, हॉर्स को मेटिंग करनी है हॉर्स ही चाहिए, हॉर्स के जैसा ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आई? तो चलिए अब देख लेते हैं एग्जांपल्स। सो अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना हो स्पीशीज का, तो इन सारे पॉइंट्स को क्या कर दीजिए आप साथ में जोड़ दीजिए। जैसे द स्पीशीज, देखिए कैसे, द स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच रिजेंबल वन अनदर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज रिप्रोडक्टिवली, एंड दे हैव एबिलिटी टू इंटरब्रीड और रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, एंड दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। सो ये हो गया स्पीशीज का डेफिनेशन। आई होप आपको स्पीशीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इसकी एग्जाम्पल्स, इसको यहां से मिटा देते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंगो, तो मैंगो कॉमन नेम है मैंगो, जिसको आम बोला जाता है। सो मैंगो का स्पीशीज क्या है? इंडिका। इसका जीनस क्या है? मैंगीफेरा, राइट। सो देखिए ये जो इसका जीनस है और स्पीशीज है, तो एक इकट्ठा जब हम नाम जोड़ेंगे, तो हमने आपको बताया था कि एक स्पेसिफिक नेम होता है जेनरिक, तो मैंगो का नाम क्या हो गया? मैंगीफेरा इंडिका, राइट। इसका स्पीशीज क्या है? इंडिका। अब जो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। सेकेंड है पोटैटो, पोटैटो का स्पीशीज क्या है? ट्यूबरोसम। अब बड़े सारे बच्चे ये कहते हैं ना कि सर हमसे ना बायो में स्पेलिंग याद नहीं होते, तो मैं आपको बच्चे एक बात बता देना चाहता हूँ, बायोलॉजी में 80% जो स्पेलिंग होता है ना, स्पेल आपको खुद ही बताएगा कि मेरा मतलब क्या है। जैसे कि आप पोटैटो की केस ले लेते हैं, ट्यूबरोसम यानी कि पोटैटो क्या एक ट्यूबर है ना, इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, राइट, इसलिए इसको ट्यूबरोसम कहा जाता है। इंडिका का मतलब ये है कि जो मैंगो है इसका ओरिजिन इंडिया से है, दैट्स व्हाई इट इज इंडिका। बात समझ में आई? तो देखिए पोटैटो का स्पीशीज क्या है? ट्यूबरोसम, और इसका जीनस क्या है? सोलेनम। तो नाम क्या हुआ? सोलेनम ट्यूबरोसम। अब देखिए, अब जो ये इंडिका और ट्यूबरोसम है, क्या कभी मैंगो के पेड़ के ऊपर पोटैटो ग्रो कर सकता है? नहीं कर सकता है। यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, कि वो आपस में उन दोनों की मेटिंग नहीं हो सकती है, राइट। वैसे ही लाइन, तो लाइन का स्पीशीज लियो, जीनस है पेंथेरा, तो नाम क्या हुआ? पेंथेरा लियो। वैसे ही टाइगर का क्या हुआ? पेंथेरा टिग्रिस, इस तरह से। तो देखिए लाइन की टाइगर के साथ मेटिंग नहीं हो सकती है। अब देखिए ये जितने भी स्पीशीज है यहाँ पे, इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, टिग्रिस, ये सारे के सारे क्या है? जेनेटिकली डिस्टिंक्ट। तो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट का क्या मतलब हुआ? जेनेटिकली डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ इन सब का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, यानी कि इनके अंदर जो जीन्स हैं वो अलग अलग हैं, इसीलिए ये आपस में
मेटिंग नहीं कर सकते और सॉरी एक दूसरे के साथ मेट नहीं कर सकते, आपस में ही अगर सिमिलर स्पीशीज होगा तभी ये इनके बीच में ब्रीडिंग होगा। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। तो आपको तो पता ही है कि साइंस में एक्सेप्शंस तो होती ही हैं। सो इसी को जब स्पीशीज का डेफिनेशन दिया गया तो दो ऑब्जेक्शंस आए और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत कम आपको ये चीज़ बताई जाएगी। ये जो दो आज हम बताएं डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब स्पीशीज का डेफिनेशन इन्होंने डिस्कस किया मतलब कि दिया वर्ल्ड को, तो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आई। सो जिनको हम टू ऑब्जेक्शन भी कह सकते हैं, बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को। सबसे पहली जो ऑब्जेक्शन आई दैट वॉज द ओकेजनल हाइब्रिड्स। तो हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म के करेक्टर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और वो जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग स्पीशीज के होते हैं। तो यहाँ पे तो स्पीशीज का डेफिनेशन ही गलत हो गया ना। अकॉर्डिंग टू स्पीशीज द ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड एंड इट कैन नॉट मेट विद अनदर स्पीशीज। लेकिन जो हाइब्रिड होता है इसमें तो दो ऑर्गेनिज्म के करेक्टर मिक्स होते हैं ना, यानी कि एक अलग स्पीशीज एक अलग स्पीशीज, तो स्पीशीज का डेफिनेशन गलत कर दिया इसने। जैसे कि एग्जांपल, ये नीट में बहुत बार पूछा जाता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल के तौर पे लाइगर। तो लाइगर देखिए, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसे बनता है? ये बनता है द मेटिंग बिटवीन मेल लाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेल लाइन एंड फीमेल टाइगर। यानी कि जब इन दोनों के बीच में मेटिंग होगा तो क्या बनेगा? लाइगर, यानी कि लाइन प्लस टाइगर। और ये क्या है? फर्टाइल है, यानी कि इसमें भी कैपेबिलिटी होगी कि ये फ्यूचर में जाके रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो डेफिनेशन गलत हो गया। अब नंबर टू है टाइगोन। टाइगोन किससे बनता था? मेल टाइगर, और जब फीमेल लाइन के बीच में मेटिंग होता था, अगेन गलत हो गया। उसके बाद आ गया म्यूल, दैट वॉज स्टराइल। सो म्यूल किसके बीच में, किनके बीच का हाइब्रिड था? दैट वॉज द फीमेल हॉर्स, जिसको मेयर भी कहा जाता है, एंड मेल डोंकी। और वैसे ही जो हेनी था, इट वॉज बिटवीन मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी। अब नीट में क्वेश्चन कैसे आता है, आपको ये पूछा जाता है, पहला जो क्वेश्चन टाइप है कि ये जो चारों हैं इनमें से स्टेराइल कौन सा है, इनमें से फर्टाइल कौन सा है, राइट? सो पहला ऑब्जेक्टिव इस तरह से। अब सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ये कॉम्बिनेशन होते हैं हाइब्रिड्स, ये किस किस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे इन्होंने दे दिया यहाँ पे टाइगर, मेल टाइगर और फीमेल लाइन, तो आपको चार अलग अलग तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं, आपको सेलेक्ट करना होता है प्रॉपर। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट? अब तो हमने जब लेक्चर शुरू किया था हमने आपको बताया था एक चीज के कैसे एक ही प्लांट के ऊपर पोटैटो भी ग्रो कर सकता है और टोमेटो भी, राइट? सो वो भी एक हाइब्रिड होता है। खैर वो एक मैन मेड है, लेकिन हम आपको बताते हैं, आपको मजा आएगा कि देखिए क्या किया साइंटिस्ट ने, क्या किया उन्होंने, कहा कि हम एक ऐसा हाइब्रिड बनाएंगे जिसपे पोटैटो और टोमेटो एक ही प्लांट पे लगे। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा सीड बनाया जिसमें टोमेटो और पोटैटो के करेक्टर्स को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया कुछ इस तरह से। सो हुआ कुछ यूं कि प्लांट के ऊपर वाली साइड टमाटर लगते थे, तो टमाटर आई थिंक लाल होता है ना, और नीचे वाली साइड क्या लगते थे, पोटैटो, तो है ना गजब, गजब कर दिया साइंस ने, मतलब गजब कर दिया, इस तरह का प्लांट होता था। सो इट वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड। अब बात यह है कि जब टोमेटो और पोटैटो को का हाइब्रिड बनाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पोमेटो। हाँ समझ में आई, वेरी वेरी सिंपल। सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सेप्शन। अब चलते हैं एक्सेप्शन नंबर टू। सो दूसरा एक्सेप्शन ये था कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते थे, लेकिन स्टिल वो क्या करते थे, मॉर्फोलॉजिकली उनके सेल की जब स्टडी की गई एज वेल एज देयर केमिकल कॉम्बिनेशन, उनमें डिफरेंसेस आ रहे थे। यानी कि जो स्पीशीज होता है ये बोलता है, इसका डेफिनेशन क्या बोलता था कि जब वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आता है तो उसमें वेरिएशन हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो उसमें वेरिएशन नहीं आता है। लेकिन जैसे कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया, कुछ प्रोटिस्टा होते हैं, इनमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। सो अगर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो वेरिएशन कैसे आ रहा है? सो ये थे दो ऑब्जेक्शन
टू द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया गया ताकि स्पीशीज का डेफिनेशन भी बना रहे और ये जो हमारे पास हाइब्रिड्स थे इनका भी कुछ ना बिगड़े, तो वो देखते हैं कि अब उनका क्या किया गया। राइट, नाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दीज टू ऑब्जेक्शंस सम रूल्स वर इंट्रोड्यूस्ड, सम न्यू कैटेगरीज वर इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रीवियस कैटेगरी ऑफ स्पीशीज। सो देखिए, जिस तरह से हमने आपको बताया था कि कुछ ऑब्लिगेट कैटेगरीज के साथ कुछ फैकल्टेटिव कैटेगरीज भी थी, राइट। सो स्पीशीज को, क्योंकि देखिए अब स्पीशीज का तो जो डेफिनेशन था वो स्टैंडर्डाइज था, जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को मद्देनजर रख के लिया गया था, है ना। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो हाइब्रिड्स आ रहे हैं इनका क्या किया जाए, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल जो एक रैंक था स्पीशीज का उसके इन्फीरियर या कह सकते हैं उसके लोएस्ट डिग्री की कुछ कैटेगरीज को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। जिस तरह से आपने देखा था फैमिलीज में सब फैमिलीज होती हैं, किंगडम में सब किंगडम होता है, फाइलम में सब फाइलम, तो इसी तरह से स्पीशीज में भी उन्होंने सब कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने ये कहा कि जो ये कैटेगरी होगी ये इन्फीरियर रहेगी लेकिन जो सुपीरियर है वो स्पीशीज ही रहेगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को वो फॉलो करते थे। सो सब इन्फीरियर कैटेगरीज टू द रैंक स्पीशीज वर इंट्रोड्यूस। अब देखिए वो कैटेगरीज कौन कौन सी आई ताकि ये जो प्रॉब्लम आ रही थी इसको सॉल्व किया जाए। सो उन्होंने बोला तीन, आप कह सकते हैं उन्होंने तीन कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस किया। सो वो तीन कैटेगरीज थी, पहली थी सब स्पीशीज, दूसरी थी वराइटीज और तीसरी थी रेसिस। तो देखिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बड़ी एक सिंपल सी बात बताते हैं। जैसे आपने बेस्ट एग्जांपल है कॉलीफ्लावर, बंद गोभी, तो बंद गोभी आपने सॉरी कैबेज, कैबेज की बात कर रहे हैं। सो कैबेज आपने कितने कलर्स में देखा है, वायलेट कलर का होता है वो, ग्रीन कलर का होता है, वाइटिश कलर का होता है, और क्योंकि उसको सैलेड के लिए यूज़ किया जाता है तो अलग अलग उसके कलर्स होते हैं। अब जो उसका ओरिजिनल स्पीशीज है, ओरिजिनल स्पीशीज कौन से कलर में होता है, ग्रीन, लेकिन अब वो जो वायलेट कलर वाला है उसको क्या बोला जाए, इसीलिए उसको बोला गया कि ये इसकी है वेराइटी, यानी कि ये इसके जैसा दिखता है लेकिन ये एक्चुअल वो स्पीशीज नहीं है। सो बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि जो ये ऑर्गेनिज्म थे आप इंटरनेट पर चेक करिएगा कि ये लाइगर किसकी तरह दिखता है, तो जब आप इसको देखेंगे ना तो इसकी जो हाफ बॉडी होगी ये लायन की तरह दिखती है और हाफ बॉडी टाइगर की तरह दिखती है। आपका ये असाइनमेंट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे दिखते हैं, बहुत ही वंडरफुल दिखते हैं। बात समझ में आई, एक तरफ से टाइगर दिखता है और एक तरफ से लायन दिखता है। सो अब उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाए, साइंटिस्ट के पास तो कोई शब्द ही नहीं ना बचा, क्योंकि स्पीशीज तो उसको बोल नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने उसको बोल दिया कि ये इसका सब स्पीशीज है, यानी कि जो स्पीशीज की तरह तो दिखता है लेकिन स्पीशीज नहीं है, राइट। सो इसलिए सब स्पीशीज जो वर्ड था ये यूज किया जूलॉजिस्ट ने, यानी कि एनिमल्स के लिए अगर हम कोई नया मतलब ऑर्गेनिज्म देखेंगे उसी स्पीशीज की तरह उसको बोला जाएगा सब स्पीशीज, और प्लांट्स के लिए बोला जाएगा वेराइटीज। ऐसे बोलते हैं ना कि इस सब्जी में कौन कौन से वैरायटी आपके पास, जैसे आपने एक और बेस्ट एग्जांपल है शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च रेड कलर में आती है, ग्रीन कलर में आती है, वाइट कलर में आती है, येलो कलर में आती है। बात समझ में आई। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीशीज एंड स्पीशीज अगेन, कि जो वो रेड वाली शिमला मिर्च है ना वो दिखती तो शिमला मिर्च की तरह है लेकिन ओरिजिनल कौन सी है, ग्रीन वाली, दैट इज द स्पीशीज। वो जो नया इंट्रोड्यूस किया है वो उसमें कलर वेरिएशन इंट्रोड्यूस किया है, सो दैट्स व्हाई दैट रेड शिमला मिर्च इज द वैरायटी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली एग्जांपल है वो है रिगार्डिंग क्रो। तीन तरह के क्रो है हमारे पास, एक है इंडियन क्रो, उसके बाद है बर्मीज, दिस इज बर्मी बर्मा का, और यह है श्रीलंकन क्रो। तो देखिए इंडियन क्रो को क्या बोला जाता है, कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। बात समझ में आई। सो दिस इज द ओरिजिनल स्पीशीज। अब इसी की तरह जो बर्मा में क्रो पाया जाता है उसको बोला जाता है कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। सो ये क्या हो गई इनकी अब
सब स्पीशीज हो गई। क्या हो गई? सब स्पीशीज। वैसे श्रीलंका में जो क्रू है कोर्वस स्प्लेंडेंस एंड प्रोटीगेटस, बात समझ में आ रही हो। उसके बाद जो कैबेज है, सो कैबेज का साइंटिफिक नेम कौन सा है ओरिजिनल स्पीशीज का, दैट इज ब्रैसिका ओलियरेसी। और ये आपको बहुत सारी बुक्स में ये वर्ड दिखेगा VAR, सो VAR का मतलब है यहाँ पे वेराइटी। वैसे ही एनिमल्स के साथ उन्होंने लिखा हो सकता है, इस तरह से लिखा होता है, राइट। सो इसका मतलब है वेराइटी, यानी कि इसकी एक और वेराइटी है कैपिटेटा, यानी कि ब्रैसिका कैपिटेटा। तो आप इंटरनेट पे इसका भी फोटोग्राफ देखना और इसका भी देखना। वैसे कॉलीफ्लावर की ओरिजिनल वेराइटी को ओरिजिनल स्पीशीज है ब्रैसिका ओलियरेसा ओलियरेसी, और इसकी भी एक और वेराइटी होती है ब्रैसिका बोट्राइटिस। सो साइंटिफिक नाम लिखते समय इन चीजों का ध्यान रखिए कि पहला वर्ड बड़ा डालना है फिर उसके बाद छोटा, इस तरह से, राइट। अब उसके बाद बात करते हैं हम रेस की। सो लेकिन सब स्पीशीज वेराइटीज और रेस में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था कि रेस में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे थे स्पीशीज से था तो वो स्पीशीज का ही मॉडिफिकेशन, लेकिन रेस जो डेवलप हो रहा था, तीसरा जो क्राइटेरिया था, उसमें जो ऑर्गेनिज्म थे वो फर्टाइल थे, वो एक अलग ब्रीड एस्टेब्लिश हो गई, यानी कि एक अलग ही उसने पहचान हासिल कर ली स्पीशीज के अलावा। अब जो ये वेराइटीज थी, जैसे ये हमारे पास वेराइटीज और सब स्पीशीज थे, सो ये इनमें से कुछ फर्टाइल भी हो सकते हैं, कुछ स्टेराइल भी हो सकते हैं, लेकिन जो रेस थी ये सारे के सारे क्या थे, फर्टाइल थे। और इन्होंने पूरी ही पूरी तरह एक नया कह सकते हैं अपने आप को एस्टेब्लिश किया जिस तरह से स्पीशीज था, बात समझ में आई। अब इनके जो एस्टेब्लिशमेंट क्राइटेरिया थे वो अलग अलग थे, तो जिस तरह से बेस्ट एग्जांपल जो स्टडी किया जाता है दैट इज द ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स की 7 रेसेस हैं, रेसेस को आप सब स्पीशीज भी कह सकते हैं। तो देखिए रेसेस ने क्या किया कि दे वर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द स्पीशीज, स्पीशीज की विद इन द स्पीशीज ही थे, एंड फॉर्मिंग द परमानेंट ब्रीड। इन्होंने अपनी परमानेंट ब्रीड क्या कर लिया, एस्टेब्लिश कर लिया। ब्रीड होता है कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर सकता है और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को जन्म दे सकता है। तो जैसे कि देखिए हमारा जो साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस सैपियंस, तो ये है हमारी ओरिजिनल स्पीशीज। सो इसमें 7 अलग तरह की सब स्पीशीज हैं या रेसेस हैं। सो ये जो 7 अलग तरह की सब स्पीशीज थी इनके क्राइटेरिया क्या थे, क्या थे, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन पिगमेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हेयर स्ट्रक्चर, अभी समझाते हैं कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नोज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, राइट। तो देखिए 7 रेसेस कौन से थे, जैसे पहले आगे निग्रोइड, कॉकसॉइड, मंगोलियाइड, ऑस्ट्रेलियाइड, पोलिनेशियन, रेड इंडियन एंड बुशमैन। तो आप इसमें से सबसे सिंपल समझ पाएंगे ये वाला निग्रोइड। आपने किसी नेग्रो पीपल को देखा है, सो नेग्रो पीपल के साथ कभी आप अपने आप को कंपेयर करिएगा, या फिर जो फॉरनर्स होते हैं उनको अपने साथ कंपेयर करिएगा, तो आपको 3 तो बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप अपने बालों को कंपेयर करिए सबसे पहले निग्रो के साथ, उसके बाद अपने फेस की जो स्किन की पिगमेंटेशन है ये बॉडी की उसको कंपेयर करिए, उसके बाद अपने नोज को कंपेयर करिए, यूजुअली जो चाइनीज लोग होते हैं, सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये रेस का मतलब क्या है, बात समझ में आई आपको। सो ये था हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट दैट वॉज स्पीशीज। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं और प्रॉपरली नहीं समझ पाते हैं, बात समझ में आई। सो होप करता हूँ कि आपको ये जो आज हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट स्पीशीज का ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन स्टिल आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आज का लेक्चर अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक डेफिनेटली करिएगा। होप करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो अब हम अगले वीडियो सेशन में जो अगले टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनके साथ मिलेंगे। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।